हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद अपने यहाँ फार्म पे आया हूँ, और आया इसी वजह से ही हूँ क्योंकि यहाँ पे आज एक न्यू हॉर्स बेबी पैदा हुआ है। वाओ, ब्यूटीफुल यार, माशाल्लाह से आज ये एक न्यू बेबी पैदा हुआ है। 5 कल्याण है ये सुल्तान का बेटा। आजकल ठंड भी बहुत है, इस वजह से हमने इसको अंदर कमरे में रखा हुआ है। जनवरी का महीना और लोग वैसे इस मौसम में ब्रीड करवाते तो नहीं है, क्योंकि इस मौसम में होता मुश्किल है। तो मुझे ये बेनिफिट होता है कि मेरे रूम जो हैं ये बने हुए हैं, इस वजह से मैं इनको अंदर कर देता हूँ। देखिए ये कितना क्यूट बेबी, बहुत ही क्यूट बेबी पैदा हुआ है। देखिए जी, अब खड़ा हो गया बच्चा। अभी मैंने इसको खड़ा तो किया है, अभी मुझे इसने कुछ नहीं कहा, बड़ी मेहरबानी है इसकी गोड़ी में। अभी बच्चा इसकी पिछली टांगों पे ना अभी हवा है, वो इस वजह से है क्योंकि अभी इसको कुछ ही घंटे हुए हैं, मीन के 30 घंटे हुए होंगे शायद, तो 2-3 दिन तक ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पाँव जो है ना, वो जो हवा होती है हल्की हल्की, वो जैसे देखेंगे पीछे खड़ी ये उतर जाएगी। अच्छा, अब आपको ये बताऊं कि ये बच्चा पैदा होता है तो हम इसके ये कान बनाते हैं ऊपर से, थोड़े से इसका माथा बिठाते हैं, इसके जो पाँव हैं वो नीचे से साफ करते हैं, ऐसे ये करके उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं। फिर हमने इसको अभी जब इसने थोड़ा सा स्टेबल हो जाना है, इसको कुछ दिन गुजरने हैं, तब हमने इस पे इसके जो ये बाल हैं ऊपर से और इसके जो दुम के बाल हैं ये हमने काट देने हैं। जैसे वो बच्चों की जंड उतारते हैं ना, वो हमने उतार देने हैं इसके। और जैसे ये इसके ये मुँह पे नीचे हैं बाल, इसके होठों वाली साइड पे ये हमें काटेंगे, इसके नाक वाले बाल काटेंगे, ये सब बाल काटेंगे ताकि जो इसके वो जिस बाल होते हैं वो एक दफ़ा उतर जाएंगे, और उसके बाद इसके जो नए बाल होंगे वो साफ भी होंगे और ताकतवर भी बाल पैदा होंगे। दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के आने तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हमी और नासिर। टाटा, बाय बाय।